हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 40 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक का फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहाँ पे इस स्टॉक ने 6 महीने में अराउंड 70% का रिटर्न दिया हैगा, वहीं पर इस स्टॉक ने अराउंड 1 साल में इस स्टॉक ने लगभग 25% का रिटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा हैगा। जैसा कि अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहाँ पे इस स्टॉक का एक बड़ा बॉटम बनता हुआ नजर आया था, जो कि अराउंड सत्रह जनवरी यानी आज के कल के दिन इस स्टॉक में एक बड़ा बॉटम बनता हुआ नजर आया, जहां पे इस स्टॉक में एक भारी बिकवाली होती हुई नजर आई, जो कि इंग्लूफिंग बेरिस पैटर्न देखने को मिला था। यहां पर इस स्टॉक में एक भारी गिरावट हुई है और आज के दिन इस स्टॉक में एक मामूली तेजी देखने को मिल रही है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेंड करना चाहिए, जो कि अराउंड 58 रुपये 50 पैसे का। यहाँ से 1 रुपये नीचे का आप एक स्टॉप लॉस ट्रेंड कर सकते, और शॉर्ट टर्म टारगेट आपको जो यहां से अगर इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, निचले लेवल पर एक स्टॉक में खरीदारी होती हुई नजर आएगी, तो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट यहां से 60 रुपये 60 पैसे का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपको 61 रुपये 60 पैसे के देखने को मिलेगा। जब इस स्टॉक यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो इस स्टॉक में एक तेजी बनती हुई नजर आएगी, जो कि इसका जो सेकेंड रुकावट रेंज है वो है 63 रुपये 50 पैसे, और इसके बाद में इस स्टॉक में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, जहां पर ये स्टॉक आपको 70 रुपये तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो आपको काफी बड़े रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये स्टॉक 1 महीने में अराउंड 4% की करेक्शन दिखाता हुआ ये स्टॉक नजर आ रहा होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपको ये बड़े टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।